चुनावी किस्सों में बात आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन विधानसभा सीटों की करेंगे जहां दोस्त और रिश्तेदार ही मैदान में हैं। दोनों राज्यों के चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। भाई भाई, चाचा भतीजा, समधी समधन से लेकर दो दोस्त एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट पर भाजपा की सीता शरण शर्मा, कांग्रेस के गिरिजा शंकर शर्मा आमने सामने हैं। खास बात यह है कि दोनों भाई हैं। इसी तरह देवतालाब से गिरीश गौतम भाजपा के सामने, भतीजे पद्मेश गौतम कांग्रेस से लड़ेंगे। रीवा में राजेंद्र शुक्ला भाजपा से हैं तो राजेंद्र शर्मा कांग्रेस से मैदान में हैं। दोनों राजेंद्र रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं तो राजेंद्र शर्मा सचिव रहे हैं। दोनों के आपसी संबंध भी अच्छे हैं। घोड़ा डोंगरी सीट से चाची या भतीजा आमने सामने हैं। बीजेपी ने गंगा उइके को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने राहुल उइके को मैदान में उतारा है। वहीं मध्य प्रदेश की डबरा विधानसभा सीट से एक बार फिर समधी समधन आमने सामने हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी कांग्रेस से बीजेपी में आई तो बीजेपी नेता रहे सुरेश राजे अभी कांग्रेस विधायक है। सागर सीट में जेठ और बहू आमने सामने है। बीजेपी ने निधि जैन को प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस से शैलेंद्र जैन प्रत्याशी है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां सबसे हाई प्रोफाइल सीट पाटन से सीएम भूपेश बघेल और दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल आमने सामने हैं। दोनों चाचा भतीजा लगते हैं। धमतरी में रंजना साहू को ओमकार साहू से मुकाबला मिलेगा। ओमकार साहू और रंजना साहू का रिश्ता चाचा भतीजी का है। दोनों पूर्व मंत्री कृपाराम साहू के रिश्तेदार हैं। रंजना कृपाराम के बेटे वीरेंद्र साहू की बेटी हैं, तो ओमकार साहू कृपाराम साहू की पत्नी की बहन का मतलब साहू का बेटा है, यानी ओमकार साहू कृपाराम साहू के भतीजे हैं। ऐसे देखें तो भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू रिश्ते में ओमकार साहू की भतीजी है। न्यूज ब्यूरो, INS 24/7।